हाँ जी, लाइव आ गई हूं मैं। आ जाइए लाइव आप लोग। बर्दाश्त कहते हैं ना कि हम चीजों को समेटना चाहते थे कि भी चीजें समेट जाएं, चीजें समेट जाएं, चीजें समेट जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें हो जाती हैं जो मजबूर हो जाती हैं। और पहली बात, यहाँ पे कमेंट सोच और समझ के कीजिएगा, किसी के लिए भी, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, मेरी लाइव में कमेंट सोच समझ के कीजिएगा। और इतना, और मैं ये भी बताऊंगी, अगर सामने वाला बंदा मुझे चैलेंज कर देगा ना, मैं अपनी कॉल हिस्ट्री निकाल करके यूट्यूब पे चेप दूंगी, सबकी सबका नंबर हाइड करके ना, और वो नंबर 3 नंबर छोड़ के मैं सारी चेप दूंगी अपनी कॉल डिटेल निकाल के। कि कौन है, फोन आया, आ जाइए आप लोग, मैं बात करती हूँ अभी। वो लाइव, आज मैं किसी के लिए लाइव नहीं आई हूँ, ना मैं नेहा के लिए लाइव आई हूँ, ना मैं सचिन के लिए लाइव आई हूँ, ना मैं मनीषा के लिए लाइव आई हूँ, मैं सिर्फ लाइव आई हूँ एक भाई के लिए। गलती किसी की नहीं, गलती दोनों की गलती है। आप लोगों को मैं अभी सब बताऊंगी। ये जो सो कॉल्ड अपने हस्बैंड को सेव किया जा रहा है ना, गलती दोनों की है, और उसमें एक सबसे बड़ी जड़ है। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आई हूँ, नेहा भी गलत है, मैं ये बोलती हूँ, नेहा भी गलत है, सचिन भी गलत है, और मनीषा, मनीषा एक तरह से कह सकते हैं कि वो विक्टिम है। अभी उसको सच पता ही नहीं है कुछ, मुझे सच सिर्फ एक दिन में पता चला है, मनीषा विक्टिम है, ये मैं मानती हूं। लेकिन मनीषा को भी सच पता नहीं है, गलती दोनों की है। और मैं इस बात को, मैं एक भाई के लिए लाइव आई हूं, एक भाई के लिए लाइव आई हूं। प्लीज कोई भी ऐसी बात मत करेगा। मैं लाइव के लिए, मैं भाई के लिए लाइव आई हूं, एक भाई जो अपनी बहन की इज्जत ना समेट भी नहीं पा रहा है। जैसे किसी की बहन को नंगा कर दिया जाए, उसके शरीर के कपड़ों को चिथड़ा कर दिया जाए, उसके बाद वो भाई अपनी बहन की इज्जत को ढक भी नहीं पा रहा है। ये एक बात जान लीजिएगा, यहां पे उस बंदे को मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं कि भाई तू सही है ना, तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर, तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। मनीषा की कोई गलती नहीं है, मनीषा को भी धोखे में रखा गया है, मनीषा और मुझे। मैं आप बताऊं, नेहा भी गलत है और सचिन भी, कोई सही नहीं है कोई। मैं इसीलिए इस चीज को छुपा रही थी कि भाई ठीक है, तुम लोग इस चीज को शांत करो, शांत करो, चीजें खत्म होने दो, मतलब नहीं बनता है, आपस में फैमिली सुलटो। लेकिन मुझे कहा गया कि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अफेयर नहीं है, ठीक है, मैं मनीषा की गलती कुछ दूंगी नहीं, मैं मनीषा की कोई गलती नहीं दूंगी। आप लोगों को ना, मैं आज जो चीजें बताऊंगी मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था, और सामने वाले बंदे को बहुत, उसको लाइव और कम्युनिटी गेम खेलने का मतलब है। एक बात बता दूं, आज अगर वीक पॉइंट है तो आज अभय, अभय शुभा वीक पॉइंट है, दुनिया की नजरों में वो गिरे हैं। अगर मुझे व्यूज की जरूरत होती ना, मुझे पॉपुलरिटी की जरूरत होती ना, तो मैं उनके अगेंस्ट खड़ी होती। मैं यहाँ पे एक भाई के लिए आई हूं, यहाँ पे अरे जानवी ब्लॉग्स जा, तेरे घर में ऐसी बहनें होती होंगी भाई, तेरी ऐसे घर में, तेरे घर में भाई होते होंगे, तुम लोग के चलते ऐसी करते होंगे, शर्म कर लेना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे नेहा के लिए लाइव नहीं आई हूँ, ना ही मैं यहाँ पे भाई साहब के लिए लाइव आई हूँ, मैं यहाँ एक भाई के लिए लाइव आई हूँ, जो भाई अपनी इज्जत की। तो आप क्यों यहाँ पे खाने चाटते आ रही हो भाई, कहाँ चाटते आ रही हो? मैं बताती हूँ मैं क्यों लाइव आई हूँ, आप लोग आ जाइए पहले, मैं बताती हूँ मैं क्यों लाइव आई हूँ, और इस लाइव आने का क्या रीजन है ना, ये भी पता चलेगा मैं लाइव क्यों आई हूँ। मुझे परसों कॉल किसने किया था? अलका का कोई मतलब नहीं है, अलका का किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज बातों को भगवान को साक्षी मान के सुनिएगा, मेरा किसी को कॉल नहीं गया था, मैं किसी से बात नहीं करती, ना ही मैं नेहा से करती, ना ही मैं सचिन से करती। इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उस कॉन्ट्रोवर्सी में जब चीजें पता चली, मेरे तक लोग पहुंचे, मेरे तक लोग पहुंचे कि प्लीज आप इस मैटर में बोलिए, अलका जी बोलिए। मैंने कहा मुझे नहीं बोलना है, मैंने कहा अगर मुझे समझाना होगा ना, तो मैं चीजों को, मैं ऊपर आने का मौका दूंगी, मैं ऊपर आने का मौका दूंगी फेस टू फेस। जिसको दम होगा वो प्लीज लाइव में ऊपर आएगा। भाई को पता नहीं था, उसको पता ही नहीं था, इसका भी प्रूफ मेरे पास है, उसको पता ही नहीं था। हाँ, बे कि दिव्या सिंह जी, मुझे लगता है ना कि तुम क्या ही बोलो क्या हो,
चलिए बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ चैलेंज के साथ बता रही हूँ कि मुझे मेरा ना नेहा से ना मेरा कुछ भी है। हाँ तेरे घर की जज हूं मैं, अपना मैटर बता देना सुलटा दूंगी मैं, ठीक है। और तुम जैसे लोग ऐसे, हो सकता है तुम्हारे घर की अगर कुछ ऐसी होती होगी तो तुम्हारे बहनों को भी जाके जो कहते हैं गालियां, तुम लोग जैसे लोगों की बनी हुई है। हाँ मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की मैं बता दूं आपको कि भी क्या क्या होने वाला है। मैं आप लोग को अब शांति से, यहाँ पे जो तमीजदार घर के लोग होंगे ना वो यहाँ बैठेंगे, वरना मैं यहाँ से कमेंट जिसके भी होंगे ना बदतमीजी, मैं मैडम प्लीज टॉक, मैं इसी, आप पढ़िए कमेंट पढ़िए क्या क्या गालियां दे रहे हैं उन लोग को लोग। अब सुनिए आप, ये मैटर चल रहा था ना, मुझे नहीं पता, मैं ये सब गंदे मैटरों में नहीं पड़ती भैया, ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। इनका मैटर चल रहा था सोशल मीडिया पे, मेरे पास कब आया था मैं बताती हूँ आपको। इन लोग का मैटर चला था, और एक मिनट मुझे याद करने दीजिए क्या हुआ था इनका, सगाई हुआ था, सगाई के बाद सचिन भाई साहब का कनेक्शन होता है, सचिन भाई मुझे कॉल करते हैं, इनका वीडियो आता है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, दरवाजे से हटा दिया गया, भगा दिया गया। मैंने कहा छोड़ो यार, जिसका मन है ना वो बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। सचिन को छोटे भाई की तरह मैं मानती थी, और सचिन को छोटे भाई की तरह, तो भाई बनाने से भी डर लग रहा है भैया। राम राम भाई, राम राम। हम यहाँ पे जो बात कह रहे हैं आप लोग शालीनता से सुन लीजिएगा, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी की आर्टी में जाती हूँ, ना पार्टी में जाती हूँ, ना मैं किसी से वीडियो शेयर कराती हूँ, ना कुछ कराती हूँ। मैं एक्चुअली में ना, हम लोग बहुत दिल से चीजों को लेते हैं, और दिल से चीजों को लेते हैं और सुनते हैं, और दिल से चीजों को लेके सुनने के बाद ना हम लोग उसमें एक्चुअली में लग जाते हैं, ठीक है। देखो निकिता जी, मैं ये बोल रही हूं कि गलती हुई है दोनों तरफ से, अब ये बात सामने आनी बाकी है कि गलती किधर से शुरुआत हुई थी। भाई बहन का रिश्ता तो भाई जो भी हो, वो किया नहीं किया, जो भी किया ना वो गलत था, मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करती। और मनीषा के साथ आज हो रहा है कि मेरी मनीषा को कोई गलत नहीं बोलेगा, आप सबको गलत बुलवा दो और बोल रहे हो मेरी मनीषा, मनीषा को तो कोई गलत बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि मनीषा की तो मैं कोई गलती देती ही नहीं हूं, गलती तुम जैसे भाई लोगों पे है। जी हाँ, जो ही आ रहा जी बता दीजिएगा, मैं बताती हूँ आप लोग को। मनीषा एक्चुअली में बताऊं, मनीषा को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या गेम खेला जा रहा है। मनीषा के साथ आज अभी 15 मिनट पहले भाई साहब डिवोर्स दे रहे हैं उसको, वो भी जस्ट मैंने चैट देखा। बात करोगी कि नहीं करोगी, कॉल करोगी कि नहीं करोगी, कॉल करोगी या नहीं करोगी, उससे भी बात छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ा प्रूफ हम दे देंगे आप लोग को। मेरे पास कॉल आता है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ये सारा इन लोग का हो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, बुलाया नहीं बुलाया बात खत्म करो, मुझे इस मैटर पे बोलना नहीं है, बस इस मैटर को आप लोग मत बनाइए, किसी का एंगेजमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, मेरे पास मेल भेजने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है। मेरे पास जो मेल आया था ना, फेक चैट, दिव्या सिंह जी थोड़ा शर्म से बोला कीजिए, प्रूफ हो जाएगा अभी अभी। नेहा आशीष तिवारी को मेरी लाइव में इसमें लूंगी और बोलूंगी अपना फोन ओपन करके दिखाओ, नंबर सहित, नंबर को हाइड कर देना, अपना फोन ओपन करके दिखाओ। लर्निंग अब जी हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मनीषा बहुत बड़े धोखे में जी रही है, मुझे ये बात परसों पता चली है, परसों से ही मैं अपनी जिंदगी में नहीं हूं। हुआ क्या है, ये लोग के जब इनके घर गई थी, पहला सवाल मेरा एक सवाल करना है, मनीषा 1.5 साल से कह रही मैं परेशान हूं, मैं मनीषा, हाँ मैं अभी दुलूंगी, मैं आज नेहा जी को भी लूंगी, मैं अभी अभय को भी लूंगी लाइव में, ठीक है, और आप लोग के सामने ही प्रूफ होगी। ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे, अभी मैं तुमको दीवा, मैं तुमको प्रूफ दूंगी दीवा, प्रूफ जब सुनोगी देखोगी ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ठीक है। और कहते हैं ना हमेशा हमेशा अपना दोस्त, अगर आपके पास दोस्त अच्छा है ना तो दोस्त कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। आज मैं बोल रही हूं वो बंदी को मैं चैलेंज करी, उसने जो घर बर्बाद किया है ना, कोई और नहीं है, उनकी खुद की पड़ोसी है। वैसी दोस्त से बढ़िया है ना कि मैं 100 दुश्मन पालूं, वैसे दोस्त ना पालूं। जो दोस्त आपको गलत रास्ते से जाने से रोक नहीं सकता है ना, वो दोस्त दोस्त नहीं होता। वो जिसको जो बोलना रहे बोलते रहे, मैं ऊपर श्याम बाबा को मानती हूँ, ठीक है, जिसके हवाले सब कुछ छोड़ दिया है ना, उस पर कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात, किसी के कारण भी अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई तो भाई सिंपल सी बात है, हम जो करेंगे वो हम करके दिखा देंगे, हम उसमें के नहीं है। जब हम दूसरे के लिए इतना स्टैंड ले रहे हैं ना, अपने लिए तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, तो एक बात ध्यान रहिएगा, ठीक है। मनीषा को भी लाइव मैं चैलेंज करके लाइव में बुला रही हूँ, भाई साहब कहीं भी हो लाइव में लिंक ज्वाइन करो,
मैं अभी तक भी तुमको सपोर्ट करती थी कि भाई तुम्हारी भी इज्जत ना जाए, तुम्हारी भी इज्जत ना जाए, लेकिन भाई साहब इज्जत 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 समझने की बात नहीं। एक औरत को ब्लैकमेलिंग, तुम तो भी ब्लैकमेलिंग में जाओगे, और एक औरत को ब्लैकमेल करना, तुम ब्लैकमेलिंग में जाओगे, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग के सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, और कोई फेक चैट नहीं होगी, ओरिजिनल चैट है, कोई फेक नहीं है। नेहा ने इनवाइट किया, देखिए इन लोगों में जो भी रिलेशन था मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, शुरुआत कहीं से भी हुई थी। अब ये शुरुआत मैं नेहा दीदी से पूछूंगी, नेहा दीदी शुरुआत कैसे, वो जो भी भाई जब एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मेरी बहन की गलती है, आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में बहन भाई हैं, अगर कोई गलती कर देते हैं आपको नहीं पता चलता है, तो इसका मतलब आप भी दोषी हो, आप भी दोषी हो। जब ये जाना जा रहा है कि नेहा दिमाग से मेंटल है या दिमाग से पागल है, या उसको दवाई खिलाई जा रही है, उसको डॉक्टर से साइकेट्रिक से दिखा के दवाई खिलाई जा रही है, तो उसका दिमाग कहां से कंट्रोल में है भाई, उसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, और मैनिपुलेट ही किया गया है। अब मैं बताती हूं आप लोग मेरी बात शांति सुनिएगा, देखिए पाप के भागी नहीं बनते, हमेशा कर्म के साथ ही बनते, पाप के भागी नहीं बनते हैं। यहाँ पे मनीषा की गलती नहीं है, लेकिन मनीषा ने कुछ ऐसी गलती कर दी है ना, जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन बात जब ये हो गई ना, आपको बताऊं मेरे सामने सामने की बात कितने दिन हो गई ब्लैकमेलिंग करते करते। ये ब्लैकमेलिंग पहली जब लाइव आए थे, जब पहली बार लाइव आए थे, जिस समय दवाई खाया गया था, मेरे को उस समय कोई मैटर नहीं पता था कि क्या हुआ है, मुझे लगा भाई इन्होंने बुलाया वो नहीं गए, किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, वो कैसे पहुंचा वहां पे, भाई सचिन के साथ गलत हुआ है, उसको नहीं, मैं इसके लिए भी लड़ी, इन लोगों से लड़ी कि भाई आप लोगों ने गलत किया, सचिन को बुला के क्यों भेजा उसको। फिर बाद में सचिन ने भी नहीं बताया कि मुझे कौन बुलाया था, बोला दीदी मैं बताऊंगा कौन बुलाया था, नहीं बताया मुझे। मैंने कहा छोड़ ना भाई, क्यों लड़ना झगड़ना, छोड़ो ना, खत्म करो ना, वो बहन है तुम्हारी, और तुम लोग क्यों आपस में रिश्ता खराब करो, छोड़ जाने दो, सॉरी बोलो अपने में, खत्म कर दो, क्योंकि हम ना अच्छे लोग हमेशा चीजों को ना खत्म करने पे तुले रहते हैं, वो कभी गलत चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मुझे तो उससे मैं पता ही नहीं था, छठ माता वाले दिन जिस दिन मुझे प्रसाद खाई हो ना, उस दिन मुझे चीजें पता चली हैं। उसके बाद से अब आप सुनिएगा, जरूरत कहेंगे ना एक बार कम्युनिटी लगा देंगे कि अलका जी लगाइए, मैं लगा दूंगी कम्युनिटी में, एक बार उनसे डलवा दीजिएगा कि अलका जी आप लगाइए, मैं लगा दूंगी। यहाँ पे जितने ब्लॉगर वीडियो डाल रहे हैं ना, ब्लॉगर अगर सच जान लेंगे ना, फिर कहेंगे भैया बहुत गलत है, मनीषा का सपोर्ट करना वो नहीं, मैं भी खड़ी हूं, मनीषा के साथ गलत है मैं भी खड़ी हूं, लेकिन एक इंसान को नंगा करना, दूसरे को क्लीन चिट देना, ये इंसाफ नहीं होता। अब मैं बताती हूँ, आप लोग बस एक बार क्या करिए, उनसे कम्युनिटी डलवा दीजिए कि अलका जी कुछ चीजें लगाना चाह रही हैं, एक बार कम्युनिटी लगा दे, मैं उस चीज को मान जाऊंगी, और मैं तुरंत का तुरंत अभी के अभी सब सुनाऊंगी आप लोग को। पहली बात देखिए, इनके बीच जो गलत रिश्ता था वो बिल्कुल शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। करती हूँ प्रूफ, आप बस अपने अपने भाभी से अपने भैया से एक कम्युनिटी डलवा दीजिए, कम्युनिटी डलवा दीजिए कि अलका जी कुछ प्रूफ लाना चाह रही है, ला दें। नहीं 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 राजस्थानी नेहा गलत है, गलती हुई है उनसे, वो गलती हुई है। अब आप सुनिए क्या होता है, मैं तो भैया जब देखा मेरी तबीयत खराब थी, इन लोग का मैटर खत्म हो गया, बुलाने बुलाने वाला, मुझे एक चीज सवाल जानना है, मुझे मनीषा से एक सवाल करना है। मनीषा, जब तुमको 1.5 साल से लग रहा था बेटा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं नहीं, दोनों गलत है, मैं किसी का पक्ष नहीं ली रंजीत भैया, मैं किसी का नहीं। सृष्टि जी, इरिटेट चीजें ना एजुकेटेड लोग पकड़ लेते हैं, क्या इरिटेट है क्या कटिंग है, कुछ नहीं, रॉ बिल्कुल रॉ। नेहा की गलती है, उसके लिए तो भाई आप लोग जो भी बोलिए गलत है, लेकिन इस तरीके से ना जिसकी शादी हो रही ना मत करिए। शादी के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, पता है आपको मेल करवाने वाला बंदा कौन था मुझे, नेहा की इंगेजमेंट के बाद से ही ब्लैकमेलिंग चालू है, वो औरत अपने आगे बढ़ रही थी लाइफ में। अगर नेहा से जो था, नेहा की तो बात ही छोड़ दो, जब एक औरत जान लेती है ना कि मेरे पति के साथ यहाँ पे दिक्कत है, मैं उस औरत का मुंह क्या, मैं उसकी परछाई नहीं पड़ने दूंगी। भाई एक बात बताओ, क्यों गए उसके वहां, जब आपको अपनी पति के साथ इनसिक्योरिटी थी, आपको डाउट था, आप कैसे चले गए उस दरवाजे पे, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए आप, किस लिए गए, क्यों गए। कोई बात नहीं है, बात होती है ना, बताती हूं। और ये जो भोपाल की रहने वाली है ना, ऐसे लोगों को अपने घर से दूर रखिएगा। हम लोग कभी भी घर में कोई बात होती है, तुम लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बोल भेज रही हूं, तो हमेशा ये होता है ना कि भैया प्लीज किसी के घर का झगड़ा खत्म, हमेशा मैं झगड़ा खत्म करने के पीछे रहती हूँ कि झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना,
कंटेंट मिल गया सबको किसी के घर का इज्जत तमाशा बनाने का, चाहे वो मनीषा अपना बनाए। एक मिनट क्यों नहीं पेस्ट हो रहा है, एक मिनट मैं भेज रही हूँ, लिंक भेज रही हूँ और मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, डोंट वरी। आज मैं ओपन, जिसको जो लाइव करता था, मैं अपना मंच दे रही हूँ भाई, मैं अपना मंच दे रही हूँ। आप अपने वहां से नहीं कर पा रहे, आपकी लाइव डिलीट कर दी जा रही है ना, प्लीज आइए, मैं दे रही हूँ। ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा कमेंट, एक मिनट मैं कर रही हूँ। ये मैंने दे दिया है लिंक, पूनम पकड़ के आ जाओ। देखो मैं एक बात जान लीजिएगा, एक बात जान लीजिएगा, जब आपके पति को, आपको अपने पति पे शक था, जाहिर सी बात है भैया शक हो तो इंसान कहीं भटकने ना दे, आप क्यों गए, क्यों गए आप, आप सचिन को लेके क्यों गए उस दरवाजे, जो आप अपने अभी एजेंडा गाड़ा है, आप अपने क्रिएटरों से, दोस्तों से मिलकर के बोल दिए होते कि भैया ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, मुझे नहीं मैं नहीं जाना है। ये कौन है, अभी मैं किसी और लोग को प्लीज ऐड नहीं करूंगी, थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, मैं सबको ऐड करूंगी यहाँ पे, और प्लीज मेरे मंच पे आइए और बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम लाइव लिंक पढ़ के ऊपर आ जाओ, अभी मैं किसी और को ऐड नहीं करूंगी, अभय को ऐड करूंगी, और मैं अभी बाकी बाकी पल्लवी जी, प्रतिभा, जो भी है, मैं सबको ऐड करूंगी, लेकिन पहले जो बात करने आए ना उसको करिए प्लीज। सुनता नहीं था, एक मिनट, अरे पूनम कहां हो भाई, मैं तो कह रही हूं भाई दोनों की गलती थी, वहां पे ले गए, वहां से आने के बाद मुझसे पता है, जब मेरी बात मनीषा से हुई तो मनीषा को ये अभी टेंशन नहीं कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है, उन्होंने बोला हमें क्यों भगाया, हमें क्यों नहीं वहां पे आने दिया। अभी भी आप इसी मैटर को लेके बैठे थे मुझसे, अगर मनीषा बोल दे कि अलका गलत बोल रही है, मैं साबित कर दूंगी। मुझे एक्चुअली मैं ऐसे लोगों के लिए प्रूफ रखना पड़ता है, और नेहा के लिए, नेहा के लिए पूछना मैंने चीरू से कितनी कितनी चीजें बोली हैं, कितनी चीजें बोली हैं कि भैया गलत किया उसने, गलत किया है। अरे यार एकदम आ गई पूनम, आगे एक मिनट। हेलो आप्रिपान, हाय अलका, कैसे हो? बस बढ़िया 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 यार, सही बोल रही हो, मतलब यहाँ मुझे लग रहा है परसों से कितनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ, जब से मुझे सच पता चला है, जब से सच पता चला है। चलिए अब थोड़ी सी बात है ना मनीषा की, आप जाइए मनीषा से कमेंट करवाइए, अगर आप नेहा को बायकॉट कर रहे हो ना तो सचिन भी उतना हिस्सेदारी रखता है, सचिन अगर 100% रखता है, फिर भी वो मूव ऑन कर रही है कि नहीं मुझे मुझे प्लीज yes. मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, यस 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 यस, मतलब एक गलती, मैं लाइव आऊं, मैं वीडियो डाल दूं, हां मैं ये करती हूं, मतलब अपनी इज्जत पे बात आई तो अपने घर की इज्जत इज्जत और दूसरे की इज्जत क्या डुगडुगी समझ रखे, जिसे जब चाहो तब बजा दो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा वो हो गया तो तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे सरेआम मतलब किसी का भी मजाक बना सकते हो? अपनी बीवी पे बात आई तो आज तुमने इतना बड़ा कम्युनिटी डाल दिया है कि उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो किसी की बीवी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी बीवी सही है तो आप दूसरे घर की इज्जत से खेलने वाले होते कैसे हैं, फिर होते कौन हो? सही बात है, अभी मैंने व्लॉग बनाया है अपना, इसीलिए खेलने वाले होते कौन है? अगर देख लीजिए, अगर आप लोग, मैं बोल रही हूँ बायकॉट कर रहे हो ना, आई एम ऑलसी, मैं क्या बताऊं, एक मिनट की मैं रिकॉर्डिंग चला दे, तो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट, सब लोगों को ना बिना, मैंने आज तक जो भी मैटर हुआ ना, मैं सच में बताऊं हमेशा से कहती थी बट कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी, इस मैटर में अच्छा हुआ कि किया, नहीं तो आज पता है आज सब झूठा हो जाता, और वो आदमी भाई जिसका बच्चा है वो तो सपोर्ट करेगा अपने बेटे को, बिल्कुल, इसका मतलब सचिन को भी घर से निकाल दिया जाना चाहिए, अगर नेहा को बायकॉट कर रहे हैं तो सचिन को भी निकालना चाहिए, सचिन के साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा, औरत समाज में गलत क्यों है अकेले? नहीं, सचिन क्या निप्पल पीता है, मतलब दूध पीता है क्या? उसको जब चाहो तब गुमराह कर सकते हो, इतना छोटा बच्चा है क्या? 5 साल के बच्चे को भी आज के समय आप गुमराह नहीं कर सकते हो, जो इतना नादान था। और क्या मनीषा को सच में कुछ नहीं पता था? जो बीवी हमेशा 24 घंटे साथ रहते उसको कुछ भी नहीं पता था? उन्होंने सोचा हम अपने आप को, हमें ब्लॉगर नहीं चाहिए, दोस्ती यारी के लिए सही बात, हमने तो कसम खा ली है। बात याद रखिएगा, सबकी इज्जत होती है, अगर आप किसी की, वो औरत विडो है,
मैं मानती हूं उसका मुझसे गलत किया है, वो शर्मनाक है, बच्ची का मुंह देखना चाहिए था, लेकिन उस औरत का मेंटल स्थिति का फायदा उठाने वाला एक आदमी है जिसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और ये अगर बात अगर सच में वुमेन एम्पावरमेंट पे गई ना, तो सीधा का सीधा जो नौटंकी हो रहा है, आप नेहा को बायकॉट कीजिए, मैं नहीं सपोर्ट कर रही हूँ नेहा को बायकॉट करने की। क्या नाम है, सुचि प्रदीप जी, आप रिकॉर्डिंग, आप आ जाइए लाइव में, मैं आपको इंटर करती हूँ, आप बताइए सुचि प्रदीप जी, मैं मान रही हूँ नेहा गलत है, नेहा को बायकॉट करिए, मैं नहीं कहती सपोर्ट करिए नेहा को, नेहा को बायकॉट करिए, मैं खुद ही, मैंने फॉलो नहीं किया नेहा को, लेकिन अकेले नेहा की गलती नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बहन बन के पैरवी करने आई हैं, अगर कोई आदमी रेप करता है किसी लड़की का, अगर आदमी कोई रेप करता है किसी लड़की का और मान लो लड़की उसके साथ अफेयर में होती है, तो इसका मतलब उसको रेप की सजा नहीं मिलनी चाहिए फिर? नहीं, इन लोगों की नजर में नहीं, इन लोगों की नजर में भाई साहब, आज ये रिश्ता कहां से कहां और कितना मजाक बना दिया, जब जब उनकी शादी होने वाली है। अब्यूज की होती ना, तो मैं आज जहां पे दरिया बह रही है, जहां पे सही होता है, मैं वही स्टैंड करती हूँ। मैं नेहा के साथ नहीं हूँ बिल्कुल, मैं नेहा के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे नेहा के साथ नहीं देना है। मैं यहाँ पे भाई के साथ हूँ, जो भाई अपनी बहन की इज्जत समेटने के लिए खुद को मर मिटा हुआ है, सुसाइड करने जा रहा है वो। हम उस चीजों के, हम उस रिश्ते, जिन रिश्तों को खिलवाड़ बनाया जा रहा है, होने वाला है वो बच्चे पैदे की अपना कुछ नहीं कर पा रहा है, आप समझ रहे हो? बिल्कुल। क्यों लर्निंग आप लोगों को अपने कमेंट्स पे ध्यान नहीं है? आप देखो भैया, पहली बात तो गलती दोनों की है, बस मैं खुद बोल रही हूँ गलती दोनों की है। और इन दोनों की गलती की पहले मेन जड़ तो समझ लीजिए, चलो मानते हैं एक आदमी और एक औरत में अट्रैक्शन हो गया, जो कि शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है उसको हवा देने वाला कौन था बीच में? मैं तो अनजान थी, मैं तो जानती थी ये सारे यूट्यूबर हैं, अगर मैं कभी बात भी कर ली दोनों के साथ में, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या सीन चल रहा है। लेकिन जिस महिला ने उनके घर का नमक खाया, उनके साथ जो भी किया, उस महिला ने इन दोनों को हवा दी, गाली अकेले सचिन या नेहा क्यों खाएंगी? केवल गाली तो वो औरत खाने के काबिल है, और मैं सपोर्ट नहीं करती ऐसी लोगों को। मनीषा 2 सालों से परेशान है, और बताइए अगर 2 सालों से एक औरत परेशान है, वो क्यों गई वहां पे एंगेजमेंट में? और आपको पता है उसकी माँ ने क्यों भगाया था? इन लोगों के बीच जब इतना बड़ा मसला आप सोचिए हो चुका था, कि इनकी माँ ने, जो सचिन की माँ है, सचिन की माँ ने बोला कि तू क्या बोला, हाँ कि तू मेरे बेटे बहू की जिंदगी से निकल जा वरना खींच के मारूंगी। तो एक बात बताइए, जब बात यहां तक आ गई है, तो फिर कैसे गए दरवाजे तक? हमें बस इसका जवाब दे दीजिए कि जब बात यहां तक आ गई है तो कैसे गए दरवाजे तक? मुझे सिर्फ आप लोग प्लीज कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि जब बात एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी थी, घर से घर तक बात जा चुकी थी, और उनकी मम्मी ने, मतलब जो आंटी है, उन आंटी ने इनको, नेहा को जब बोल दिया कि तू मेरे बेटे बहू के जिंदगी से निकल जा, जब बात यहां तक की आ गई, तो फिर कैसे, आखिर कैसे आप गई वहां पे पति को लेकर के? मतलब फिर वो हाँ था ना, यानी कि वो रिश्ते को आपने सब कुछ एक्सेप्ट करके आप फिर भी उधर जा रहे हैं? आप लोग कंटेंट करने का था क्या कि हम जाएंगे तो कंटेंट में व्यूज आएंगे? यस यस यस, कोई रजिस्ट्री तो थी नहीं, भी सही थी। मैं तो फैमिली में किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, एक पर्सन गलत है जिसने भाई बहन के रिश्तों का कलंक किया, नेहा गलत है। आज नेहा की जो भी कारनामे, तो उनका तो फ्यूचर खराब हो गया, शादी होने वाली है पति से, पति शादी होगी कि नहीं होगी, टूट जाएगी, इनका तो है पैर पे गिरेंगे, माफी मांगेंगे, पत्नी माफ कर देगी, उसका लाइफ का हर्जाना कौन देगा? सही बात है, उसके लाइफ का हर्जाना कौन देगा बताओ ना? वो तो जाके पैर पे गिरेगा, माफी मांगेगा, भैया शादीशुदा है, माफ कर देंगी? बहुत कुछ बर्बाद हो गया, पता है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है सचिन ने, बहुत कुछ। अगर अगर आपके पति के साथ कुछ ऐसा सीन है, आप अपने पति को जबरन भी क्या बोलो, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाके दिखाओगे? मतलब ही नहीं बनता। पूरी स्टोरी बताइए, देखिए पूरी स्टोरी नहीं, हम तो चाहते पूरी स्टोरी, या तो आप बता दीजिए, नहीं तो अब हम तो प्रूफ के साथ लाएंगे, और प्रूफ के साथ लाएंगे, विद वॉइस लाएंगे। इसीलिए जब इंसान को मर्ज पकड़नी होती है, तो इंसान मर्ज पकड़ता है, इसकी पूरी बीमारी जानता है पहले। मैं भगवान से कह रही हूं, छठ माता से बोल रही हूं,
मुझे बिल्कुल इन लोग के बीच में अगर पता होता ना तो मैं उस दिन सचिन का कॉल ही नहीं उठाई होती, मैं कसम से सचिन का कॉल नहीं उठाई होती। सुबह 8 बजे सचिन का कॉल आता है मेरे पास कि अलका दीदी आप कैसे हो, हमने क्या हुआ, हमको लगा तबीयत के लिए फोन किया है। बोला कि वो मैं लाइव आया हूँ, आप लाइव देखे हो, हमने कहा क्या शुरू कर दिया फिर तुमने, मैंने लाइव देखी ही नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार क्या शुरू कर दिया भाई तुमने, क्यों शुरू कर दिया फिर से, कह रहे नहीं मैं इसको बर्बाद करूंगा। आप सुनिए स्टेटमेंट, सचिन भाई साहब मैं आपके एक एक वर्ड को प्रूफ करूंगी, गलत आप भी हैं, आप दूध के धुले में नहीं है। जो अभी आप कम्युनिटी डाल ना कि मेरी पत्नी को, आप अपनी पत्नी को खुद चीट कर रहे थे। और जब से आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि जब से मुझे सारी बात पता चली मैं आपसे दूर हो गई, परसों से मैंने कोई बात नहीं की, इसलिए नहीं की कि सच जान चुकी थी मैं कि भैया ये तो भाई बहन बन के गंदगी हो रही है। अब आप लोग स्टोरी सुन लीजिए क्या हो रही है, और मैं बोलूंगी कि कहां है उनकी बहन जी, मैं रिकॉर्डिंग मैं सुनाती हूं जिस तरीके से बात हुई है। कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग मेरे पास है क्यों भाई सुची जी, मैं तो गलत नहीं बोल रही हूँ, आप औरत हो के नेहा को भी मैं लाऊंगी अभी, और मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि मनीषा जी आप भी आइए, यूट्यूब को तमाशा मत बनाइए आप। इन्होंने औरों के रिश्तों पे मजाक बनवा दिए हैं यार, औरों के भाई बहन के रिश्ते, सब लोगों के रिश्ते तार तार कर दिए इन लोगों ने। मैं बात नहीं की हूँ, मैं नहीं बात की हूँ, तुमको क्या बताऊ, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम जब बोलोगी ना तभी बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। तो ना कि सचिन को समझाओ यार, देखो कल को अगर कुछ होगा ना तो मम्मी ही है, तुम हो, मैं क्या समझाऊ उनको, बताओ मम्मी से बोलो ना, मम्मी समझाए, क्या समझाएंगी, मम्मी के पास क्या है समझाने के लिए। अरे यार वो बेटा है, वो कोई बात ना हो जाता है किसमु शांति से हो, वो लड़का 2-3 दिन से नहीं है घर पे, हम लोग को नहीं चाहिए यार, हम लोग ही नहीं, हम लोग बहुत सीरियस रहते हैं, वो जानेंगे, वो जानेंगे, मुझे क्या करना, कम से कम कंप्लेन कर देती, इसका लोकेशन तो निकल जाता। नहीं नहीं मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बहुत पागल हो गई। नहीं बाबू देखो, हम हमारा कुछ भी वो नहीं है, बस देखो हम लोग जुड़े हुए हैं ना, तुम लोग चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं, हम नहीं जानते कि कोई, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं भाई अगर सीरियस है मजाक में नहीं ले सकते ना कोई। एक काम करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं पूरे चैनल पे लगा देती हूँ, उसपे आवाज नहीं आ रही ना क्लियर, पूरी रिकॉर्डिंग में लगा देती हूँ, उसके पहले की भी, 2 दिन पहले की भी रिकॉर्डिंग, 2 दिन पहले की भी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पता है ये इतना गंभीर मैटर था ना, ना चाहते हुए भी अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो आज एक आदमी एक औरत को पूरा बर्बाद करके प्यार के जाल में फंसा के उस औरत को छोड़ दो मरने के लिए। अभी मैं बताऊं आपको कम्युनिटी क्यों पड़ी है, वो कम्युनिटी इसलिए पड़ी है 7:13 पे नेहा आशीष तिवारी को धमकी दी गई, फोन उठाओ बात करो वरना मैं डाल रहा हूं। जब उसने कहा तू नीलाम कर दे जो करना है कर दे, उसके बाद भाई साहब ने तुरंत कम्युनिटी डाल दी, मुझे फोन किया था अलका दीदी आप बीच में मत आना। भाई औरत क्या बताऊं, अगर ये मामला लीगल गया ना बेटा, अगर ये मामला लीगल भी गया ना तो औरत तो छोड़ो, आप अपनी सोच लेना, आप अपनी सोच लेना। और ये जब सामने चलेगी ना उसके बाद पता चलेगा भाई, अगर पति के साथ हो रहा है, बेचारी इतनी परेशान है, बेचारे कोई मतलब नहीं। क्या बोला था इनसे कि तुम भाड़ में जाओ सचिन, रात से मेरा कोई मतलब नहीं, तुम जियो मरो भाड़ में जाओ। हमने तो ये भी सुना है कि सचिन को मारती है अपनी इसकी बीबी, गले पे बैठ के गला दबा के मारती है, मैंने तो ये भी सुना है। अब सोचो सचिन कितनी बातें घर की बाहर निकलेंगी इनका। नहीं सुनिए श्री शाही जी, डोंट वरी, ये बात तो लीगल जाएगा, वो लीगल जा रहा है ठीक है, हम अगर हमसे बोलेगा तो हम करेंगे। नेहा सही नहीं है, मैं 50 बार नहीं 1000 बार बोलूंगी नेहा सही नहीं है, 50 बार नहीं 1,00,000 बार बोलूंगी नेहा नहीं सही है, नेहा ने गलती की है। और नेहा उसकी धमकियों से, मान लो गलती हो गई, उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग करता रहा बंदा, वो बंदी उसके बातों में हर बार आती रही। मैंने बोला शादी करोगे तुम लोग, हाँ तो बात सुनी कहां से पता चली बात। उसके बाद सुबह 8:30 मेरे पास कॉल आया कि अलका दी और आप बीच में मत आना, ऐसी सी बातों मैं इस नेहा को बर्बाद करूंगा। सचिन मुझे डर किसी से नहीं लगता, मैं जो बोल रही हूं वो बात सही है, और मुझे ना किसी ब्लॉगरों से लेना देना नहीं है, मैं अपनी अकेले स्टैंड करती हूँ, स्टैंड करती रहूंगी। ये बोला गया कि दीदी मैं स्नेहा को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नस्तनाबूद कर दूंगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ बात, अभी क्या बिगड़ गई तुम लोगों में, तब तक मुझे नहीं पता था
कि ऐसा कुछ मैटर है, मुझे नहीं पता था, मैं तो हॉस्पिटल से आई थी। उसके बाद से बोलता है कि दीदी मैं इसको नेहा तिवारी के औकात क्या है, मैं इसको दिखाऊंगा। तो हमने कहा बात क्या है, तो ठीक है दीदी आप मेरी बात करा दो। मैं कसम से नहीं जानती थी उस टाइम पे कि इन लोग के पास ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं पहले नेहा दी से बात कर लूं, मैटर क्या है, क्यों आप लोग लड़ रहे हो, मैं बात करती हूँ। फिर उससे ठीक है दीदी आप बात करो। मैंने नेहा दी को कॉल किया, मैंने कहा नेहा दीदी क्या है ये सब, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया क्या आप लोगों में? तो बोले अलका नहीं अब मेरे को कुछ नहीं करना, इसको जो करना करने दो। हमने कहा हुआ क्या है? पर हमने कहा आप इससे बात करो, मैटर शॉर्ट आउट करो। कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैंने बात ली, दोनों सामने सामने हुए, मैंने कहा भाई बात करके फिर सलर करो ना क्या चल रहा है यार। तो फिर दोनों में जब बातें शुरू हुई ना तो बातों का ट्रैक ही कुछ अलग था। मैंने कहा कि हो सकता है भाई अपना भाई बहन का प्यार होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है सचिन को मैं तो ओपन चैलेंज कर रही हूँ, भैया लाइव में आओ। सचिन भी लाइव में आए, मनीषा भी लाइव में आए, नेहा भी लाइव में आए और अभय भी लाइव में आए। मैं तो सबको बोल रही हूँ ओपन लाइव है, आ जाओ मेरी बातों को झुटला के दिखाओ। आ जाओ एड करो, एड करिए, मैं करती हूँ एड। लेकिन ये उसकी ओरिजिनल आईडी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि उसका ब्लू टिक आता है। कौन आया अभी? मनी सचिन है। सचिन मैं ओपन लाइव कर रही हूँ, लाइव आ जाओ। ये रोज उसका किसी की इज्जत का जनाजा ब्लैकमेल करके, तुम नहीं बात करोगे तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। सही बात है, आज ही कर दो एंड। रोज रोज धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अरे यार क्या मतलब बनता है किसी यार, एक मिनट ये पेस्ट ऊपर से किसी को लिंक कॉपी करके डालेगा क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं ले रही हूँ लाइव में, ऐड करो, मैं ले रही हूँ लाइव में, मैं एक मिनट लाइव में ले रही हूँ। और ये लीगल केस जाएगा, और जिसने नहीं किया लीगल केस ना फिर वो अपना यूट्यूब चैनल बंद करके जाएगा। दे दिया मैंने लाइव लिंक, आप ऊपर आइए, ऊपर आइए आप। मैं खुद सामने से गवा रही हूं, वो भी आएगी, वो बेशर्म नेहा भी लाइव आएगी, कोई यहां पे शर्म वाला नहीं है, वो बेशर्म नेहा भी लाइव आएगी। ठीक है सुषमा, आज कितना मजाक बन गया। छी लाइव आइए, मैं शुरू से कहानी बताऊंगी। जब से मुझे पता चली है, मुझे ये बात परसों से पता चली है,